गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 2 रीड किया था, कबूतर उड़ गए। तो आपको वो चैप्टर समझ में भी आया होगा और आपने उसको फिर से रिवाइज़ किया होगा, और आपको उससे बहुत अच्छी मॉरल भी मिलता है। मॉरल ये मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने इतना बड़ा सुराख बनवा लिया था मंदिर में, ठीक है, और अपने ही इतने राजा कुशल सिंह से हाथ धो बैठा, मतलब इतने अच्छे प्रसिद्ध राजा से क्या करा, झूठ बोलने के कारण उनके बीच में दोस्ती की दरार पड़ गई ना। उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा मित्र गवा दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं, इस कारण एक अच्छा मित्र गवा देते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आपने इसके वर्ड मीनिंग्स जो कि शब्दार्थ थे, कठिन शब्दार्थ, अपनी कॉपी में ज़रूर किए होंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इसके वर्ड मीनिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह से क्यों जलते थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह से क्यों जलते थे। तो इसमें आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता को क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि से जलते थे। प्रसिद्धि मतलब बहुत प्रसिद्ध इंसान था, उसके बाद धन दौलत थी, बहुत पैसा था, और प्रजा को भी बहुत खुश रखता था, प्रजा की हेल्प भी करता था, प्रजा की मदद करता था, इसलिए वो बहुत खुश था, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो थे, बाकी जो राज्य थे, उसके जो राजा थे, वो क्या करते थे, बहुत उससे जलते थे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह से क्यों जलते थे। पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता मतलब प्रसिद्धि, अभी भी बताया मैंने आपको प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है, बहुत लोकप्रिय होना, बहुत धन दौलत थी, प्रजा की मदद करता था, तो लोग प्रजा भी उससे बहुत खुश थी, तो क्या होता था, लोग उससे चलते थे कि ये कितना अच्छा इंसान है, और ना इसको ये कितना प्रसिद्ध है, इसके पास कितना पैसा है, तो लोग उससे चलते थे, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राजा किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाना चाहता था। राजा चाहता था ना कि राज्य में और अच्छे अच्छे मंदिर बने, क्योंकि लोगों को क्या होती थी, पूजा अर्चना के लिए वो मंदिर नहीं जा पाते थे, पूजा अर्चना नहीं कर पाते थे। तो वो क्या चाहता था कि राजा किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाना चाहता था, राज्यों में अच्छे मंदिरों का निर्माण कराना चाहता था, और वो चाहता था कि मंदिरों में भगवान की सोने की मूर्तियाँ स्थापित हो, वह उनकी मूर्ति कला के उत्तम नमूने होने चाहिए। उत्तम नमूने मतलब श्रेष्ठ, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ होनी चाहिए, और सोने की मूर्तियाँ होनी चाहिए, उनके हीरे जवाहरात होने चाहिए, तो मूर्तियों के ऊपर भी जो कलाकारी होती है वो बहुत अच्छी की गई थी कारीगरों के द्वारा। तो वो ये चाहता था कि जो मूर्तियाँ हों बहुत अच्छी हों, अच्छे मंदिरों का निर्माण हो, और लोग क्या करें, पूजा अर्चना के लिए मंदिर भी आ सके, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का अभाव था, जो उनका राज्य था, राजा कुशल सिंह का जो राज्य था, उसमें मंदिर का बहुत अभाव था, इसलिए वो क्या चाहते थे कि मंदिरों का निर्माण हो, और जो मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां स्थापित हो, वो कौन सी होनी चाहिए, सोने की मूर्तियां होनी चाहिए, और उनकी कला के उत्तम नमूने होने चाहिए। कला मतलब उनकी जो देखने की जो मूर्तियां बहुत दर्शनीय, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके बहुत उत्तम उत्तम नमूने, मतलब बहुत श्रेष्ठ नमूने होने चाहिए, कि देखते ही इंसान बोले कि वाह क्या मूर्ति है, वाह क्या भगवान है। भगवान तो वैसे बेटा अच्छे होते हैं, पर जो उनके जो मूर्तियाँ थे, उसके पर जो कारीगरी हुई थी, जो उनका मेकअप होता है, आपने देखा होगा ना कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं उस पर मेकअप किया हुआ होता है, तो वो उत्तम उत्तम नमूने होने चाहिए, ठीक है। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा ने कबूतरों को डरा कर उड़ाने का आदेश क्यों दिया। राजा ने क्यों आदेश दिया था डरा कर उड़ाने का, देखते हैं क्यों आदेश दिया था। देखो, राजा ने कबूतरों को डरा कर उड़ाने का आदेश दिया क्योंकि वह पता लगाना चाहते थे कि अगर मंदिर की छत में कोई दरार या छेद नहीं है तो चोर मंदिर में किधर से आए। अब राजा ये पता लगाना चाहता था कि उसने क्या किया था, राजा ने पूरे गेट दरवाजे सब बंद कर दिए थे ना, खुद को अंदर से मंदिर में बंद कर दिया था, सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दिए थे। क्यों बंद करे थे, वो ये देखना चाहता था कि अगर मैं खुद को बंद कर लेता हूँ उसके बाद भी ये दो कबूतर कहाँ से आए घंटी पे। वो वहाँ पे जो घंटी थी ना उस पे दो कबूतर बैठे हुए थे। तो उसने बोला, मतलब राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को कि आप इनको डरा कर भगाने की कोशिश करो। वो डरा कर भगा तो रहे थे, बट वो क्या हो गए, पहले तो आ जा रहे थे यहाँ वहाँ क्या कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे छत की, और पे फिर
फिर थोड़ी देर बाद में वो चले गए, पर जब उन्होंने बोला कि ये गायब कैसे हो गए, जबकि सारी खिड़की दरवाजे तो मैंने अंदर से बंद कर रखी है, तो ये गायब कैसे हो गए, ऐसे आश्चर्यचकित हो गए राजा। और उन्होंने क्या किया, ऊपर से देखा, सिपाहियों को भेजा ऊपर, भेजा था ना ऊपर कि आप देख कर आओ कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो यहाँ से तो नहीं दिख रही है पर है ज़रूर। तो क्या था, देखो बेटा, राजा ने कबूतर को डरा कर उड़ाने का आदेश क्यों दिया, राजा ने कबूतर को डरा कर उड़ाने का आदेश दिया क्योंकि वह पता लगाना चाहते थे कि अगर मंदिर की छत में कोई दरार या छेद नहीं है तो चोर मंदिर में किधर से आए, पर थे वहाँ तो सुराख था, मतलब सुराख बना हुआ था, दरार या छेद तो नहीं था पर सुराख तो था, वहीं से मंदिर में कौन आते थे, चोर आते थे और सोने की मूर्तियाँ चुरा कर ले गए, किसके कहने पर, पड़ोसी राज्य के राजा के कहने पर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिपाही मंदिर की छत पर क्या देखने के लिए चढ़े। अभी भी मैंने आपको बताया सिपाही क्या चढ़े थे, क्या देखने के लिए चढ़े थे, सिपाही मंदिर की छत पर यह देखने के लिए चढ़े कहीं कोई सुराख तो नहीं है, वो यही देखने के लिए चढ़े थे कि कहीं कोई सुराख तो नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से तो हमें नहीं दिख रही है। मतलब क्या था कि जो जैसे बाहर से कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई सुराख नहीं बना हुआ है, पर ऊपर जाके कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि सुराख बना हुआ है, वहाँ पे एक आदमी या फिर एक कोई भी प्रवेश हो सकता है बिना छुपके से। एक सुराख, इतना अच्छा सुराख बनाया था कारीगरों ने, तो कारीगरों ने जब सुराख बनाया था तो इस बारे में राजा को पता नहीं था, तो ये देखने से पता लगा कि जो सिपाही मंदिर की छत पर इसलिए तो चढ़े थे, सिपाही किसके कहने पर चढ़े थे, राजा के कहने पर चढ़े थे। सिपाही मंदिर की छत पर क्या देखने के लिए चढ़े, सिपाही मंदिर की छत पर यह देखने के लिए चढ़े कि कहीं कोई सुराख तो नहीं है, सुराख तो था, सुराख आखिर में मिल ही गया था। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे भी लगे होंगे और आपने इनको पढ़ने की कोशिश भी की होगी, इनको ट्राई भी किया होगा पढ़ने का, और आपने जब क्वेश्चन आंसर्स को रीड किया होगा तो आपको चैप्टर रीड करने के बाद ही क्वेश्चन आंसर्स करने का मन हुआ होगा और आपको समझ में भी आ गए होंगे अभी। तो अब मैं आई प्रोसीड फर्दर, हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है रिक्तस्थान। ठीक है, अब देखो रिक्तस्थान में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है डैश कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी थे। कौन थे कुशल सिंह, कौन थे, एक राजा थे, तो राजा कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी, पराक्रमी मतलब बताया था ना कल, बहादुर, बहुत ही नेक दिल के, मतलब उनका बहुत अच्छा दिल था, वो प्रजा की क्या करते थे, मदद करते थे, हर काम में उनकी मदद किया करते थे, तो उनका जो दिल था बहुत बड़ा था। ठीक है, राजा कुशल सिंह बड़े ही नेक व पराक्रमी थे, तो उसमें क्या फिल करना है, राजा। सेकेंड क्या है, ख देखो, उनके पास अपार क्या थी, डैश क्या थी, धन दौलत, तभी तो पड़ोसी राज्य उनसे जला करते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत लोकप्रियता थी, प्रसिद्धि थी, मतलब बहुत उनके पास पैसा था, धन दौलत थी, वो प्रजा की मदद किया करते थे और नेक दिल इंसान थे, तो जो राज्य के पड़ोसी राज्य थे, उनके जो राजा थे, वो क्या करते थे, कुशल सिंह से बहुत जलते थे, तो इसमें क्या आएगा, उनके पास अपार धन दौलत थी। ठीक है, अब देखो, हमारे राज्य में डैश बहुत कम है, क्या कम है, राजा क्यों मंदिर बनवाना चाहता था, क्योंकि उनके राज्य में, राजा कुशल सिंह के राज्य में बहुत कम मंदिर थे, क्या थे, बहुत कम मंदिर थे, है ना, तो राजा कुशल सिंह क्यों बनवाना चाहता था मंदिर, क्योंकि उनके राज्य में बहुत कम मंदिर थे, इसलिए वो चाहते थे ना कि हमारे मंदिर, हमारे जो राज्य है उसमें बहुत अच्छे मंदिर बने और बहुत अच्छे सोने की मूर्तियां स्थापित की जाएं और क्या हो, उत्तम कला हो, उत्तम कला के नमूने हो, मतलब अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हों। ठीक है, तो क्या चाहते थे कि हमारे राज्य में जो मंदिर हों वो बहुत, हमारे राज्य में मंदिर बहुत कम हैं। ठीक है, तो क्या आएगा उसमें, मंदिर। ठीक है, अब देखो क्या है, मंदिर बहुत ही दर्शनीय बने थे, दर्शनीय मतलब बहुत अच्छे देखने लायक, बहुत अच्छे। ठीक है, दर्शनीय का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे देखने लायक, जिसे देखकर इंसान आश्चर्यचकित रह जाए, तभी तो बोलता था ना कि मेरे जो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे मंदिर बने और सोने की मूर्तियाँ रखी जाए, तो ये यही चाहते थे कि उनका जो राज्य है उनमें मंदिर तो बहुत कम थे, तो वो क्या चाहते थे कि मंदिर बन जाए जिससे कि लोगों को पूजा अर्चना करने में मदद मिले और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग यहाँ पर आएँ और पूजा करें, तो उनके जो मंदिर थे क्या थे, दर्शनीय थे, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, दर्शनीय मतलब देखने लायक, वहाँ पे क्या थी, सोने की मूर्तियाँ थी और जो मूर्तियाँ थी उसकी बहुत उत्तम उत्तम नमूने थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ थी, उनकी बहुत अच्छी कारीगरी की गई थी। ठीक है, आया समझ में। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा है।
थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। मतलब क्या है, ट्रू फॉल्स, मतलब राइट रॉन्ग है, ठीक है, राइट रॉन्ग है। सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत पर गलत का लगाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या है, प्रजा राजा से बहुत खुश थी। हाँ, आगे लिखा हुआ था ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रजा राजा से बहुत खुश थी, क्योंकि प्रजा तो, राजा तो सबकी हेल्प किया करता था, प्रजा की मदद किया करता था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, इसलिए उसने मंदिर का निर्माण भी करवाया राज्य में, जैसे कि लोगों को परेशानी ना हो पूजा अर्चना करने के लिए। तो प्रजा राजा से बहुत खुश थी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो उसमें क्या आ जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, कभी कभी राजा मंदिरों का निरीक्षण करता था। हाँ, कभी कभी तो वो दूसरे राज्यों में भी जाता था और देखता था कि मंदिर है या नहीं है। और जब कारीगर मंदिर का निर्माण कर रहे थे तब उसने जाके देखा था ना बीच में कि मंदिरों का निर्माण कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है, और कारीगरों को वेतन में क्या दिया करता था, मतलब सैलरी में क्या दिया करता था, सोने जवाहरात दिया करता था, उनको सैलरी में पैसे नहीं दिया करता था, क्या दिया करता था, सोने जवाहरात दिया करता था। तो उसमें देखो क्या है, कभी कभी राजा मंदिरों का निरीक्षण करता था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट, कि हाँ वो निरीक्षण करता था। निरीक्षण मतलब टाइम से टाइम जांच करना कि मंदिर का काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो क्या होगा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कारीगरों की कोई निगरानी नहीं की जाती थी, ये गलत है। अगर की जाती थी तो क्या होता है, हाँ की जाती थी, पर यहाँ पर लिखा होगा कारीगरों की कोई निगरानी नहीं की जाती थी, पर ये स्टेटमेंट तो गलत है, करी जाती थी, तो क्या है, स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आ गया, रॉन्ग आ गया, ठीक है। क्योंकि कारीगरों की निगरानी कौन करता था, खुद राजा करता था ना, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कारीगरों की कोई निगरानी नहीं की जाती थी, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है, तो उसमें क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। पुजारी रात को मंदिर में ताला लगाना भूल गया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है, वो तो नहीं भूला था, उसने तो अच्छे से ताले लगाए थे। अब कारीगरों ने ही सुराख बनाया था, ऐसा सुराख बनाया था कि जिससे दिख ही नहीं रहा था कि मंदिर के ऊपर सुराख बना हुआ है। सामने से देखने वाला इंसान तो यही सोचेगा कि कोई सुराख नहीं बना हुआ है, पर सुराख था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पुजारी रात को मंदिर में ताला लगाना भूल गया था, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, उसने तो ताला लगाया था, ठीक है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प मतलब जो सही विकल्प है, मतलब जो सही ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, उस पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शोभा देखते ही बनती थी, किसकी, मंदिरों की, राजा की, मूर्तियों की। शोभा किसकी थी, मूर्तियों की थी, इतनी दर्शनीय, इतनी अच्छी, इतनी शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियाँ थी, इतने सोने की मूर्तियाँ थी, इतने उत्तम उत्तम नमूने थे, तो क्या आएगा इसमें, मूर्तियों की शोभा देखते ही बनती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, मंदिर के घंटे पर कौन बैठे थे, जब राजा ने गेट बंद कर दिए थे तो क्या देखा था कि मंदिर के घंटे पर कौन बैठे थे, ऑप्शन नंबर अ कबूतर, ऑप्शन नंबर ब तोते, ऑप्शन नंबर स तितली। कौन बैठे थे, अ कबूतर, ऑप्शन नंबर अ कबूतर इज़ द राइट आंसर, ओके। देखो राजा के आदेश पर मंदिर की छत पर कौन चढ़े, राजा ने आदेश दिया था ना कि मंदिर की छत पर जाकर देख कर आओ कि कोई सुराग तो नहीं है, तो कौन चढ़ा था, ऑप्शन नंबर अ सिपाही, ऑप्शन नंबर ब कारीगर, ऑप्शन नंबर स दो छोटे बच्चे। कौन चढ़ा था, सिपाही चढ़े थे, सिपाही क्या देखने के लिए चढ़े थे, क्वेश्चन में भी था ना, जो क्वेश्चन आंसर से भी पढ़ा है उसमें क्या था, सिपाही क्या देखने के लिए चढ़े थे कि कोई सुराग है या नहीं है, तो ये तो क्या है इसमें, अ सिपाही, सिपाही इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अब देखो घ क्या दिया हुआ है, मंदिर की छत डैश बनी हुई थी, मंदिर की छत तो पक्की बनी हुई थी, ये चीज़ तो राजा ने बोला था कि जब पक्की छत बनी हुई है तो चोर अंदर से आ, चोर अंदर कैसे आ रहे हैं और चोरी कैसे हो गई मूर्तियाँ, तो इसलिए वो क्या थे, बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। तो इसमें क्या आएगा, मंदिर की छत डैश बनी हुई थी, कैसी बनी हुई थी, ऑप्शन नंबर अ पक्की, ब कच्ची, स टेढ़ी। पक्की बनी हुई थी ना, तो ऑप्शन नंबर अ पक्की, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर अ पक्की इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, मतलब इस लेसन में जो जो बातें जिस जिसने कही है ना उसके बारे में लिखना है, किसने इसमें लिखा हुआ है, किसने कहा और इसमें लिखा हुआ है किससे कहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखे हुए, स्टेटमेंट मतलब ये लाइनें लिखी हुई हैं, और किसने किससे कहा वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे राज्य में मंदिर बहुत कम है, किसने बोला था, राजा ने बोला था ना हमारे राज्य में मंदिर कम है, किसको बोला था, मंत्री को बोला था, किससे कहा था, मंत्री से कहा था। सेकंड क्या है, ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा,
मंत्री ने बोला हाँ ठीक है महाराज, अगर कम है तो बनवा देते हैं। कल से उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया था बनवाने का, फिर कारीगर भी आ गए थे। तो किसने कहा था? ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। किसने कहा था? मंत्री ने कहा था। किससे? राजा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? जब मंदिर में चोरी हो गई थी तब राजा ने पूछा था ना बाहर आके प्रजा से, क्योंकि प्रजा की लोग इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे राजा के महल के बाहर। तो राजा ने पूछा था ना कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? किसने पूछा था? राजा ने पूछा था। किससे पूछा था? था ना कि किससे परेशान है? किससे पूछा था? लोगों से, मतलब प्रजा से पूछा था। किससे पूछा था? प्रजा से पूछा था। प्रजा मतलब जो राजा की जो प्रजा थी बाहर जो रहती थी, उनसे पूछा था कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि चोरी हो गई थी। तो किसने किससे पूछा था? आप लोग इतने परेशान क्यों? राजा ने पूछा था। किससे? लोगों से, मतलब प्रजा से। अबे महाराज, हमने अच्छी तरह निरीक्षण किया है, मतलब सिपाहियों ने बोला था ना, और महाराज ने बोला था ना कि जाओ ऊपर जाके देख कर आओ कि कोई सुराग तो नहीं है। तो किसने कहा? महाराज, हमने अच्छी तरह से निरीक्षण किया है। सिपाही ने आके किसको कहा था? राजा को आकर कहा था कि हमने अच्छे से निरीक्षण किया है, पर इधर तो कोई भी नहीं है, कोई सुराग या कोई दरार या कोई छेद नहीं है, पर ऊपर जाने के बाद पता लगा था। तो किसने कहा था? सिपाही ने कहा था राजा से। अब देखो ड, बताओ किसने कहने पर तुमने यह किया? जब कारीगरों से पूछा ना राजा कि तुमने किसके कहने पर ये सारा किया, तुमने सुराख क्यों बनाया छत पर, तो क्या बोलता है? राजा ने पूछा था। बताओ किसने कहा तुमने ये, किसके कहने पर तुमने ये किया? राजा ने पूछा। किससे? कारीगरों से। आ गया समझ में? राजा ने पूछा था ना कारीगरों से कि तुमने किसके कहने पर ये सब कुछ किया था, फिर कारीगरों ने क्या बोला था कि पड़ोसी राज्य के जो पड़ोसी थे, जो पड़ोसी राज्य के जो राजा थे उनके कहने पर हमने किया। ठीक है, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये चैप्टर बढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग सा फील हो रहा होगा, तो उसको फिर से रीड करिएगा और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, उसको अच्छे से रीड करना। थैंक यू।